एक सिर फिरी औरत को लगता है कि वो हमारी आज़ादी को भीख कहकर निकल जाएगी और आज़ादी के 75वें वर्ष में हम मूक दर्शक बनके उसकी बात सुनते रहेंगे और उसको पद्मश्री देंगे। पद्मश्री आइडियल सिटीजन होने के लिए दिया जाता है, ये आइडियल सिटीजनरी है। हमारी आज़ादी के 75 साल बाद आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। सुई पटक सन्नाटा है बीजेपी में, एक बार भर्त्सना नहीं करी गई उसके इस बयान की। उनका क्या मतलब है? महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, ये सब भिखारी में थे, ये भीख में लाए थे इस आजादी को। जिस आजादी के लिए करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया, उस आजादी को भीख कहना, ये कौन सी नैतिकता है? और कैसे ऐसे व्यक्ति के पास इस देश का पद्मश्री होना चाहिए, ये मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। और मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि जो फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, इनका मुंह बंद क्यों है? ये क्यों नहीं कंगना रनौत का पद्मश्री वापस करने की बात करते हैं?